आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। जब यही एथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं, पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल या परसों एक बयान दिया कि देश में खेलों को लेकर कितना जबरदस्त माहौल है, क्या चल रहा है, कितनी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने जो भाषण दिया, जो नारा दिया, जो वादा किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे में आप ये बताना क्या भूल गए थे कि बेटी किससे बचानी है? क्योंकि आपके पार्टी के सांसद हैं बृजभूषण सिंह। अब बृजभूषण सिंह जो हैं, वो WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती महासंघ, इसके प्रमुख हैं। और देश के कई सारे रेसलिंग और एथलीट जो हैं, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं धरने पर। वो धरने पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह, जो कि WFI के प्रमुख हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं महिला बॉक्सर ने, रेसलर ने। महिला रेसलर ने कहा है कि बीजेपी के ये जो सांसद हैं और जो ये भारतीय कुश्ती महासंघ के जो प्रमुख हैं, उन्होंने उनका उत्पीड़न किया है, उनका शोषण किया है। आप सोचिए, इतने गंभीर आरोप लगते हैं, देश के खिलाड़ी हैं। जब मौका आता है, चुनाव का वक्त होता है, तो प्रधानमंत्री जी इनके मेडलों के सहारे वोट बैंक की उगाही कर लेते हैं, इन्हें बुलाते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, चलते हुए फोटो सेशन करवाते हैं, राउंड टेबल पर बैठकर फोटो सेशन करवाते हैं, और उन फोटो को खूब वायरल किया जाता है चैनलों की तरफ से, बीजेपी IT सेल की तरफ से। ये तमाम फोटो आप देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने आराम के साथ में बैठे हुए हैं, फोटो सेशन करवा रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर वोट लिया जाता है और माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जैसे इससे पहले कभी देश में किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता ही नहीं होगा, है ना। इससे पहले भारत ने कभी वर्ल्ड कप भी जीता नहीं होगा। इस तरह का माहौल बनाया गया, इन खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज उन्हीं खिलाड़ियों में से एक महिला, कुछ एक नहीं, कई सारी महिला रेसलर वगैरह हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई है धरने में। उन्होंने कहा है कि उनके साथ में उनका शोषण किया गया, उनके साथ में जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। और खास बात यह है कि विनेश फोगाट जो हैं, जो गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं देश के लिए, और ये अकेली नहीं, इनके साथ में जितने बैठे हुए रेसलर वगैरह, वो सब के सब देश के लिए मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हुए हैं। और उनको इंसाफ के लिए, उन्हें इंसाफ मिले, इसके लिए उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़क पर बैठना पड़ रहा है, उन बच्चियों को, उन बेटियों को। और हैरानी की बात है कि जो लोग बात करते थे देश की बेटी, आप स्मृति ईरानी जी कहां हैं? आप आइए ना, आप देश की बेटी परेशान हो रही है, आपकी पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रही है, 3 दिन से जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठी हुई है, आपके घर से चंद मिनट की दूरी पर यह है जंतर मंतर, आप खामोश है, आप कुछ बोल नहीं रही है स्मृति ईरानी जी, क्यों? आप बड़ी बड़ी बातें करती थी आप, अब आपको यह बात नजर नहीं आ रही है। आपको बताते हैं कि कौन कौन है, और यहां तक कि जो विनेश फोगाट है, उन्होंने तो यह तक कहा कि जब मैंने कंप्लेन करना शुरू किया, जब मैंने आवाज उठानी शुरू की, उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको याद आ रहा होगा बीजेपी का एक और नेता कुलदीप सेंगर, जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के विधायक थे, जेल में गए। उस बच्ची का तो अता पता नहीं कहां है बच्ची, उसके परिवार वाले, क्या कुछ हुआ, सबको पता है क्या हुआ उनके साथ में, पूरी फैमिली के साथ में, किस तरीके से तो उसके बाप की हत्या कर दी गई और क्या क्या चीजें हुई, ये सबने देखा। वो कुलदीप सेंगर आज जमानत पर बाहर है। अब आप सोचिए, बीजेपी के ही तमाम लोगों पर आरोप क्यों लगते हैं? यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के नेता और जो
सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने लगातार दो ट्वीट किए हैं, बड़े मजेदार ट्वीट है दोस्तों, देखिए आप इसमें क्या कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश का ट्वीट है, प्रधानमंत्री जी बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपाई ही क्यों होते हैं? कल आपने कहा कि देश में खेलों के लिए बेहतर माहौल है, बना है, बेहतर माहौल बना है। क्या यही बेहतर माहौल है जिसमें देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं? आपके पार्टी के सांसद पर आरोप लगे हैं, अब तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता ने कहा था मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते, चाहे कितने ही बड़े आरोप क्यों ना लग जाए भाई, इस्तीफे नहीं होंगे क्योंकि नाम खराब होता इस्तीफा देने से। इससे पहले राजस्थान के एक सांसद थे जिन पर बलात्कार का आरोप लगा, राजस्थान की पुलिस उन्हें फरार बता रही है, भगोड़ा बता रही है, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं और बैठे हुए थे उस वक्त, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया उनका। क्यों? बेटी बचाओ पहले ही कहा था मोदी जी ने, वो आगे ये लाइन बोलना भूल गए थे कि भाई बीजेपी के नेताओं से बेटी बचानी है आपको, है ना, और बेटी पढ़ाओ का क्या हाल है वो तो सभी को पता है, किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, स्कूलों की हालत कैसी है, गुजरात में 4,000-6,000 स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं, ये सभी को पता है, सबको नजर आ रहा है। और बेटी पढ़ाओ के नाम पर किस तरीके से मुस्लिम बच्चियों को बुरके के नाम पर, हिजाब के नाम पर स्कूल में घुसने से रोका जाता है, इम्तिहान देने से रोका जाता है, तो ये बेटी पढ़ाओ इनका नारा, और बेटी बचाओ तो आप देख ही रहे किस तरीके से विनेश फोगाट समेत कई सारी हमारी बहनें जो एथलेट्स हैं, रेसलर हैं, वो बिचारी बैठी हुई है सड़कों पर। और ये तो आप सोचिए, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढने लग जाते हैं, अगर कोई मुसलमान रेसलर होती तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता। तो ये जो तमाम चीजें हैं दोस्तों, ये हमें काफी कुछ सिखा रही है। इसके आगे उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जयराम रमेश ने, जिसमें लिखते हैं कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, बाप बेटे विनोद आर्य, पुलकित आर्य, और अब यह नया मामला, बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अंतहीन है। क्या बेटी बचाओ बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाने की चेतावनी थी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। तो ये जो दोस्तों आरोप भी लग रहे हैं, ये आप सोचिए, और हैरानी की बात सोचिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बेटियां, हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है इंसाफ के लिए कि बीजेपी सांसद हमारा उत्पीड़न कर रहा है हमें बचाइए, और वहां के जो कोच है वो भी हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं हमें बचाइए। अब तक क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, मीडिया, गोदी मीडिया, किसी की हिम्मत है कि वो पूछे खेल मंत्री से? किसी की हिम्मत है कि वो पूछे प्रधानमंत्री से? किसी की हिम्मत है कि वो पूछे स्मृति ईरानी से? क्या आप बड़ी देश की बेटी, देश की बेटियों की बात करती हो, अब देश की बेटी जिसने आपको गोल्ड मेडल ला कर दिया देश को, वो वहां पर बैठी हुई है, आपके पार्टी के नेता और सांसद की तरफ से वो सताई हुई है, आप कुछ बोलेंगी अब स्मृति ईरानी जी? आप खामोश है, पता नहीं किस को भवन में जाकर बैठ गई हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगी आप? और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, ये तमाम जब मामला चल रहा था तो एक और नाम निकल के आया, स्वाति मालीवाल, है ना, महिला आयोग की अध्यक्ष है, दिल्ली में बैठती है, ये महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है। देश के गृह मंत्री ने वोट लेने के लिए कहा था कि हमारी सरकार में महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि आधी रात को भी वो सोने के गहने पहनकर बाहर निकल सकती है, यह उत्तर प्रदेश में बयान दिया था, लेकिन यही गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली के अंदर महिला आयोग की जो प्रमुख है स्वाति मालीवाल, उसके साथ में किस तरीके से गाड़ी के अंदर उसको घसीटा गया कल रात को, इस पर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे? दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में है। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके यह घटना के बारे में बताया कि मैं रात में दिल्ली में बाहर निकली सड़क पर यह देखने के लिए कि महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, क्या कुछ सब कुछ चल रहा है सही या नहीं। एम्स, दिल्ली का जो एम्स है, साउथ एक्स वाली जो सड़क है जिसे रिंग रोड कहा जाता है, रात को 1 बजे भी भीड़ भड़कता रहता है, यहां पर एम्स के सामने स्वाति मालीवाल खड़ी हुई थी, एक गाड़ी वाला कोई सरफिरा आया, बताया जा रहा है कि शराब पिया हुआ था उसने, वो सरफिरा आया, उसने स्वाति मालीवाल से कहा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो नहीं बैठी, जब वो विरोध करने के लिए कांच के ऊपर हाथ रखकर जब उससे बात कर रही थी ऐसे कुछ कर, उस सरफिरे ने अपनी गाड़ी का शीशा दरवाजे का बंद कर दिया, स्वाति मालीवाल का हाथ अंदर फंसा रह गया और 10 मीटर तक वो गाड़ी को खींचकर आगे ले गया। यह हालत है महिला आयोग की प्रमुख की। अमित शाह साहब, आप किसकी बात करते हैं कि बेटियां सुरक्षित है? जाकर पूछिए बिल्किस बानो के परिवार वालों से, क्या बेटियां सुरक्षित है क्या नहीं है?
जाकर पूछिए उस मुस्कान से जिसको कर्नाटक में आपके कई सारे भगवा गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, बुर्का पहनकर वो बच्ची सिर्फ स्कूल के अंदर अपने कॉलेज के अंदर जा रही थी और आप कहते हैं बेटियां सुरक्षित है। अब आप पूछिए स्वाति मालीवाल से, वही स्वाति मालीवाल जो कुछ दिन पहले बिल्किस बानो के मामले में खामोश बैठी हुई थी, मुस्लिम लड़कियां थी तो खामोश बैठ जाती थी, यही स्वाति मालीवाल। लेकिन आज हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि हम में इंसानियत है, हम हिंदू मुसलमान मजहब नहीं देखते, हम जब किसी के साथ गलत होगा तो साहिल कुरैशी खड़ा रहेगा, चाहे सामने अब्दुल हो, रमेश हो, महेश हो, मुकेश हो, कोई भी होगा, मैं खड़ा रहूंगा कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में, और हर मुसलमान भाई खड़ा रहेगा क्योंकि हमारा भारत की संस्कृति हमें यही सिखाती है। या आपकी संस्कृति आपने भारत की बना दी आरएसएस की संघ की कि आपने हिंदू मुसलमान को लेकर नफरतें शुरू कर दी, छुरिये तेज करो, तलवार रखो, त्रिशूल रखो, ये तमाम आपकी जबानें, आपके नेताओं की जबानें हैं। अब आप बताइए स्वाति मालीवाल पर आप कुछ, अब वही स्वाति मालीवाल जब उन पर आ पड़ी, जब उन पर सब कुछ हुआ तो तिलमिला गई वो, और उसके बाद उन्होंने देखिए यही जो महिला रेसलरों का जो मामला है, जो यौन उत्पीड़न का या जो भी शोषण का जो मामला है उसको लेकर उन्होंने बाकायदा खेल मंत्री को एक नोटिस जारी किया है, खेल मंत्री से जवाब मांगा है और WFI को नोटिस जारी किया है कि इसमें जवाब दे, किस तरह की कार्रवाई आपने की, FIR की कॉपी कहें, FIR की कॉपी हमें दीजिए। ये तमाम स्वाति मालीवाल ने ये चीजें कही है। तो ये दोस्तों मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूं, ये बात यहां बहुत सही साबित होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी के भी साथ गलत हो रहा हो, चाहे वो मुकेश हो, महेश हो, अब्दुल हो, गफूर हो, कोई भी हो, आपको आवाज उठानी पड़ेगी हक के लिए, चाहे वो किसी और के साथ क्यों नहीं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे इसका मतलब आप अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, आपको इंतजार है कि आपकी बारी आएगी और आप आवाज उठाएंगे। यह है स्वाति मालीवाल जी के साथ में। आप देखिए जो भी हुआ गलत हुआ, वो कौन बंदा था सिर्फ जिसको दिल्ली पुलिस कह रही कि गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आप सोच सकते हैं आप कि महिला आयोग की प्रमुख के साथ में इस तरह की घटिया हरकत हो सकती है, तो प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, आप किस मुगालते में जी रहे हैं, कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, आप यूपी में जाकर कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है जबकि राजधानी के अंदर महिला आयोग की प्रमुख खुद सुरक्षित नहीं है। यही है आपका न्यू इंडिया, यही है आपका मेक इन इंडिया, कि आपके बीजेपी के नेता किस तरीके का मेक इन इंडिया बना रहे हैं, ये सोचिए देखिए आप। अब ये खेलो इंडिया था या खेलते रहे इंडिया था या पता नहीं कौन सा स्लोगन था आपका मोदी जी, इस बारे में जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ये जो तमाम चीजें जो अक्सर बाहर आ जाया करती थी, उनको आना चाहिए ना बाहर, जवाब देना चाहिए ना उन्हें इस मामले पर। इस बात पर मैं बार बार कहूंगा, कुछ भी गलत अगर आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके कोई अनजान भी है, अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है, बिल्कुल वहां पर रुकिए, आप संवैधानिक तौर पर उसका विरोध करिए। अगर आप खामोश होकर यह कहकर चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि छोड़िए ना किसी के फटे में हम क्यों टांग अड़ाएं, तो याद रखिएगा अगला नंबर आपका है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, जब तक आप खुद किसी के अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आप अपने खुद के अधिकार के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे, इस बात को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और जो लोग हैं, मैं यही कहूंगा, आपने बबूल का पेड़ जो बोया है तो आम कहां से लगेंगे। तो ये तमाम चीजें हो रही है, देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देश लाइव को फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा साहिल कुरैशी और साहिल कुरैशी ऑफिशियल को भी आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।